सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज मैं फिश लेकर आऊंगा, तो सच में आज मैं जा रहा हूँ फिश लाने एंड मैं काफी ज्यादा मजेदार वाले फिश लेकर आऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा एंड अगर आप मेरे वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार फिशेस लाता रहता हूँ एंड हम अपने फिश के टॉपिक्स पे भी काफी ज्यादा वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं एंड लेकर आते हैं काफी ज्यादा न्यू वाले फिश। एंड आप भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट फिश कौन सा लेकर आऊं, तो कमेंट करना जरूर से याद रखिएगा, कमेंट करना भूलिएगा मत। तो चलिए जल्दी से लेकर आते हैं न्यू फिश एंड आपको भी दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से फिश लाने वाला हूँ एंड किन फिशेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से लेकर आते हैं न्यू फिश। तो यहाँ पे भाई हम आ चुके हैं घर वापस एंड मैं ला चुका हूँ यहाँ पे ढेर सारे फिश। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि इनको रखना कहाँ है एंड साथ में मैं एक और काफी सुंदर सा बेटा फिश लेकर आया हूँ, तो मैं इसको भी बताऊंगा कि आपको मैंने कहाँ रखना है एंड साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैं इसको क्यों लेकर आया हूँ, इसके पीछे लाने का भी काफी ज्यादा बड़ा वाला रीजन है। तो चलिए फर्स्ट इनको एक्लिमेशन के लिए यहाँ पे छोड़ते हैं और इनको रखने वाला हूँ मैं यहाँ पे हमारे गोल्ड फिश के साथ, क्योंकि ये गोल्ड फिश हमारे इतना ज्यादा सुंदर लुक नहीं दे पा रहे हैं हमारे टैंक को। तो यहाँ पे करते हैं भाई हम अपने कलर टेट्रास को ऐड, क्योंकि ये काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं एंड ये काफी ज्यादा इजीली गोल्ड फिश के साथ रह सकते हैं, तो मैं इसीलिए इनको लेकर आया हूँ। तो अभी मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ, तो चलिए जल्दी से पहले फर्स्ट हम बेटा फिश को भी अपनी जगह पे रख दें। तो ये जा रही है भाई हमारी बेटा फिश और इसको मैं कहाँ रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे इसको रखने वाला हूँ मैं। तो मैं इतनी छोटी सी जगह पे इसको क्यों रख रहा हूँ, इसके पीछे का भी ये काफी ज्यादा बड़ा वाला रीजन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिएगा क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि मैं इतना सुंदर बेटा फिश क्यों लेकर आया हूँ। तो चलिए अब छोड़ते हैं इनको एक्लिमेशन के लिए एंड मिलते हैं फिर आपके साथ। तो फाइनली इनका एक्लिमेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको थोड़े से और टेट्रास दिख रहे होंगे हमारे कलर टेट्रास, तो ये आ चुके हैं हमारे पॉन्ड से। तो मैंने इनको पॉन्ड से इसलिए निकाल लिया ताकि यहाँ पे ये अच्छे लगते हैं, वैसे टैंक के अंदर पॉन्ड के अंदर इतना सुंदर लुक नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पे छुपे रहते हैं। तो चलिए जल्दी से इन सभी को मैं एक साथ निकाल लूँ एंड देन फिर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे ऐड करके इन सभी फिश को। तो ये देखें भाई कितने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं हमारे कलर टेट्रास और आप साइज चेक कर सकते हो जो हमारे पास पहले से कितने ज़्यादा बड़े हैं और जो मैं न्यू लेकर आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से हैं। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे इनको ऐड कर लेता हूँ एंड देन फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ भाई कि कौन कौन से मैं फिश लेकर आया हूँ यहाँ पे। तो ये देखें भाई जा चुके हैं हमारे सभी फिश और कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है भाई हमारा गोल्ड फिश वाला टैंक, अब आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे कलर टेट्रास जो हैं ये गोल्ड फिश पे अटैक नहीं करते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर अटैक करते हैं, मुझे दिख गए अटैक करते हो, तो हम इनको निकाल लेंगे, बट यहाँ पे ये देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर वाला व्यू दे रहे हैं। तो मैं यार फ़ोन की लाइट को बंद कर लेता हूँ देन फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि फ़ोन की लाइट से देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है तो इनका कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो मैं चलिए जल्दी से फ़ोन को कर लेता हूँ लाइट बंद, फिर देन आपको दिखाता हूँ मैं। तो अब ज़रा चेक करो भाई कि कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है हमारा गोल्ड फिश वाला टैंक। हमने अपने मोलिस को यहाँ से निकाल दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगने लग पड़ा हमारा टैंक, क्योंकि यहाँ पे हैं सिर्फ एंड सिर्फ गोल्ड फिशेस तो इनके साथ, इसलिए मैं कलर टेट्रास ले आया। तो ये देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है अभी टैंक हमारा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी और भी ज़्यादा इसमें कलर टेट्रास ऐड किए जाएं ताकि ये और भी ज़्यादा सुंदर दिख सके, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड काफ़ी इजीली हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि मैं इनका वाटर चेंज एंड इनकी काफ़ी अच्छे से केयर करता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिश रख सकता हूँ। तो ये रहे हमारे न्यू वाले फिश जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो येलो फिश हैं हमारे, एक ग्रीन वाला है एंड एक रेड कलर में है, और पर्पल मैं इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि पर्पल हमारे पास पहले से थे कलर, देख सकते हो आप यहाँ पे दो, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने फिश हैं, इनको कम से कम एक साल हो चुका है। तो चलिए अब लेके चलते हैं आपको बेटा फिश की तरफ। तो ये रहा भाई हमारा सुंदर सा बेटा फिश, तो चलिए इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ। तो ये देखो भाई इसका कलर दिखा दूँ मैं आपको, कितना ज़्यादा सुंदर है यार भाई, देख सकते हो बिल्कुल इसको मोर के कलर की तरह दिख रहा है, जैसे शहर में देहात वाले भाई वो लेके आ चुके हैं, शायद उन्होंने ही लाया ना, कितना ज़्यादा सुंदर है उनका पिकॉक और हमारा यहाँ पे बेटा फिश। कंपेरिजन तो कर सकते हो क्योंकि देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और मैं इसको इतने छोटे से प्लेस में इसीलिए ऐड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इनको ज़्यादा बड़ा स्पेस चाहिए वैसे, कम से कम एक फीट का टैंक, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं इसको यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अब करवाने वाला हूँ बेटा फिश की ब्रीडिंग। मेरे भाई से बात हो चुकी है तो उन्होंने बोला कि यस मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ फीमेल बेटा फिश, तो मैंने उनसे दो मंगवा लिए हैं बेटा फिश। तो अब हम बारी बारी से इन दोनों को ब्रीड करवाएंगे,
तो ये देख सकते हो। पहले आप इसकी लुक कलर देख सकते हैं, अरे भाई कितना ज़्यादा ये सुंदर है। अगर मुझे बेटा फिश फीमेल जो है वो भी इतनी ज़्यादा सुंदर मिलेगी तो बेबीज तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर आने वाले इनके। तो देखें यार ज़रा भाई कलर चेक करें यार भाई इसका। और इसका मैं आपको रेट बता दूं तो ये 200 रुपीज़ का मुझे बेटा फिश मिला है, और फीमेल तो काफ़ी सस्ती मिल जाती है ना वैसे। और ये देखें भाई कलर चेक करें यार कितना ज़्यादा ये सुंदर है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है ताकि इस छोटे से स्पेस में ये ब्रीड कर सकें इजीली, क्योंकि इनको बड़ा स्पेस दें तो फिर ये इजीली ब्रीड नहीं करते हैं एंड इनको फिर एग अपने रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए मैंने इनको इतना छोटा सा प्लेस दिया है ताकि यहाँ पे इजीली ब्रीड कर सकें। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी फीमेल बेटा पीस उनके पास है नहीं। जैसे ही आएगी तो मैं जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे ब्रीडिंग करवा के दिखाऊंगा कि आप भी कैसे बेटा फिश की ब्रीड करवा सकते हो। तो चलिए फिर यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।